बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं सुभान फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक जबरदस्त सी और यूनिक सी रेसिपी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है और बन भी ये मिनटों में ही जाती है। लेकिन रेसिपी को शुरू करने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये बेसिकली आप लोगों की तरफ से हमारे लिए एक इनाम होगा, हमारी हौसला अफजाई होगी कि हम काम बेहतर कर रहे हैं। चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे हम हाफ कप हमारे पास बेसन है, वो हम इसमें ऐड करेंगे, और 1/3 कप हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें मैदा भी यूज कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून डालेंगे लहसुन का पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अदरक का पाउडर। अगर आपके पास ये पाउडर फॉर्म में नहीं है तो आप इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अब बारी आ जाती है इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने की। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे नमक, 1/4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1/4 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर। और अब हम इसमें पानी डालते हुए इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे, ना बहुत ज्यादा पतला रखना है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा। ये ले जी, यहाँ पर बैटर हमारा रेडी हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। और दूसरी तरफ हमने लिए हैं यहाँ पर 3 अदद अंडे और इनको 4-4 पीसेस में कट कर लिया हुआ है। और अब हम चलते हैं गैस की तरफ और अब हम गैस पर रखेंगे 1 अदद पैन और इसमें हमने डाला है 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और अब हम ये मिक्सचर लेंगे जो कि हमने बेसन का तैयार करके रखा हुआ था, और इसमें हम डालेंगे इस अंडे को और अच्छी तरह से हम इसे कोट कर लेंगे और साथ ही हम इसे कुकिंग ऑयल में छोड़ते जाएंगे। ये रे जी, अंडों को डाल दिया हुआ है हमने कोट करके और यहाँ पर हमने इनको फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि इनके ऊपर एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। यहाँ पर हो चुके हैं 2 से 3 मिनट इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मजेदार से डिलीशियस से अंडे के पकौड़े बनके रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और साथ ही खूबसूरती के लिए हम इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। ये बहुत ज्यादा टेस्टी बने हैं, आप लोग इसे शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, मौसम बहुत खूबसूरत है, जरूर बना के खाइएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक रखना है आपने अपना ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखना है, हंसते रहिएगा मुस्कुराते रहिएगा, यूं ही आप हमारे साथ साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।